Hi guys, this is Neetu Chandra. You're watching me on Expose India. Keep watching. नमस्कार, मैं हूं देवनाथ। एक्सपोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 बजे की जो बड़ी खबरें हैं उसमें जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ काफिले पर आतंकी हमला हुआ है जिसमें 4 जवान घायल हुए हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है कि मोदी मंत्रिमंडल में जगह न मिलने से जेडीयू नाराज बताया जा रहा है, और जेडीयू के प्रवक्ता त्यागी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार ने लालू प्रसाद यादव को तंज कसने का मौका दे दिया। जो तीसरी बड़ी खबर है, भारत म्यांमार बॉर्डर पर सेना का एक बड़ा ऑपरेशन हुआ है जिसमें एक उग्रवादी ढेर हो गया है। लेकिन इन सबके जो सबसे बड़ी खबर है वो ब्रिक्स से आ रही है, जहां पर भारतीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद को लेकर के भारत के रुख को जबरदस्त तरीके से रखा है, और पहली बार ये हुआ है कि चीन के रुख में एक बड़ा बदलाव पाकिस्तानी आतंकवादियों के परिप्रेक्ष्य में आया है। ब्रिक्स में आतंकवाद के मुद्दे को एजेंडे में शामिल करने के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि जो चीन का रुख रहा है जैसे मोहम्मद को लेकर के और लश्करे तैयबा को लेकर के, क्या अब उसके रुख में कोई बड़ा बदलाव इससे देखा जा सकता है। जो दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि चीन का जो रुख है, वर्तमान में जो रुख है, क्या वह इस तरीके का है कि इस एजेंडे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर भारत जो है संयुक्त राष्ट्र में संघ में इन दोनों आतंकी संगठनों के लिए प्रतिबंध के लिए जाएगा तो क्या चीन अड़ंगा लगाएगा या चीन भारत के रुख का समर्थन करेगा। इन दोनों प्रश्नों से तय हो जाएगा कि चीन के दिमाग में क्या चल रहा है और चीन की जो विदेश नीति है उसमें भारत के लिए क्या जगह है। जहाँ तक जैसे मोहम्मद और तमाम आतंकी संगठनों की बात है, पाकिस्तान को एक गहरा झटका ब्रिक्स सम्मेलन से लगा है, और ये साफ हो गया है कि दुनिया भर के देश, खास करके ब्रिक्स देश जो है, आतंकवाद को लेकर के बड़े सख्त हैं और भारत के रुख का समर्थन करते हैं। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारतीय, एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।